ये शख्स जो हमारे सामने बैठे हैं, इनका नाम है दीपक भट्ट और इनकी चेस्ट पर ये एक बेच लगा हुआ है। इस बेच को देखकर ही हम इनके पास आए हैं और इस बेच पे लिखा है 3 दिसंबर, आज ही की तारीख है 3 दिसंबर 2021 विश्व दिव्यांग दिवस और अमृत महोत्सव नीमच, यानी कि आज 3 दिसंबर 2021 को विकलांग दिवस का अमृत उत्सव मनाया है नीमच में कर्माकू मैदान में। तो दीपक भैया की क्या भूमिका रही, दीपक भैया हमें खुद बताएंगे। दीपक भैया बताइए कि आज इस आयोजन में क्या रखा गया, क्या प्रोग्राम था, क्या उत्सव था? यहाँ पर सर खेल प्रतियोगिता थी और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी थे, विधायक थे, पार्षद थे और बहुत सारे दिव्यांगों ने भाग लिया है। जैसे उनके सपनों को और रोहन बनने के लिए एक नई राह दिखाने के लिए संभाग स्तर में खुद का चयन हुआ है। दीपक भैया का चयन हुआ है, दीपक भैया हमें बता रहे हैं। दीपक भैया किस खेल में चयन हुआ है आपका? दौड़ के अंदर। दीपक भैया का दौड़ प्रतियोगिता में चयन हुआ है। दीपक भैया कौन सा नंबर मिला है आपको? सेकंड स्थान मिला है दीपक भैया को दौड़ में। अब दीपक भैया दिव्यांग है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दीपक भैया दिव्यांग है, दोनों पैरों से इनमें दिव्यांगता है। और दीपक भैया कितने प्रतिशत दिव्यांगता है आपकी? 60 दिव्यांग है ये, 60%। दीपक भैया एक बार हमें खड़े होकर बताइए, ये दीपक भैया को देख सकते हैं आप और चल के बताएंगे दीपक भैया एक बार। ये 60% दिव्यांगता के साथ आदमी इतनी ताकत रखता है कि जिला स्तर पर द्वितीय स्थान आ जाए। हेड्स ऑफ दीपक भैया के लिए। दीपक भैया जिंदाबाद, आपकी जय हो और भविष्य में आप बहुत उड़ान भरे और आपकी उम्मीदें पूरी हो, अपने माता पिता की उम्मीदें पूरी करें। दीपक भैया नमस्कार। धन्यवाद।